आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के गांव राजपुर केसरिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। 3500 वोट और 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती उजाली रानी ने संभाल रखी है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 4 वर्ष में गाँव राजपुर केसरिया में काफी विकास कराया गया है। सांसद विधायक प्रमुख जिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी काफी विकास कराया गया है। अभी भी गांव में क्या क्या समस्या बाकी है आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक डिलारी के राजपुर केसरिया ग्राम पंचायत में। यहां काफी विकास प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग। क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक करवाए हैं? मैं प्रधानपति ऋतुराज सिंह चौहान ग्राम पंचायत राजपुर केसरिया। मैंने अपने गांव में 4 साल में मेरे गांव में 80% मुस्लिम समाज है और 20% हिंदू समाज है। सभी लोगों ने मिलजुल कर मुझे प्रधान बनाया। मैं काफ़ी वोटों से यहां तक जीतता हूं। ब्लॉक लाइन में पहले नंबर की जीत मेरी थी जी। मैंने अपने स्तर से 4 साल में चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे तुम्हारे 60 साल हों, वृद्धावस्था हो, विकलांग पेंशन हो, सभी को पूरा लाभ गाँव ग्रामवासियों को मिला है। शौचालय में ODF मेरा 70% जी जी पूरा ODF है। गांव में साफ सफाई मोदी जी के स्वच्छता मिशन का पूरा प्रभाव मेरे गांव में आपको नजर आया। सफाई कर्मचारी यहां लगे हुए हैं। सफाई कर्मी एक है, एक की हमने डिमांड कर रखी है क्योंकि काफी बड़ी पंचायत है। 4 है वो नियमित आते हैं, वो नियमित काम करता है। मिड डे मील की व्यवस्था बेहतर है हमारे स्कूल में, आप जाकर देख सकते हैं काफी सुधार है हमारे गाँव। स्कूल पर कार्य कर रहे हैं, स्कूल में अभी बाउंड्री वॉल भी हो रही है, शौचालय और बनने हैं, पहले थे और शिक्षा का स्तर कैसा है? बढ़िया है हमारे। आप जाकर बीच बीच में वहाँ जी, हम अभी जो है पत्रकार महोदय भी अभी स्कूल से ही आ रहे हैं, वहाँ सब चेक करके आए हैं जी। यहाँ सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ आपके गांव में सभी को मिलता है? हमारे यहाँ उज्ज्वला कनेक्शन लगभग 90% को कनेक्शन हो चुके हैं जी यहाँ पे। और जो सरकार की गैस वितरण थे वो भी काफी 80% लोग हैं घर तक पहुंचे। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि, किसानों खाते में सम्मान निधि का पैसा काफी लोग आ चुका है, लेकिन उससे अधिक काफी लोग रह गए थे जिनका सत्यापन चल रहा है अभी, वो बैठे हैं घर भी। बीजों पर सब्सिडी मिल रही है? हाँ मिल रही है। बीमा वगैरह हुआ है? बीमा में सब कुछ सही व्यवस्था है हमारे गाँव। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड में लगभग हमारे यहाँ 400 लोग बन चुके हैं। कूड़ेदान लगाए हैं आपने? कूड़ेदान फिलहाल दरअसल ऐसा हमारे गांव में कूड़ेदान की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि जहां हमारे चौराहे हैं गांव के वहां जगह कम है। अच्छा। अगर उन पर कूड़ेदान लग जाएंगे तो वहां पर निकलने लगे, लेकिन हमारा सफाई करूंगा, हमें ठेले लेकर रखी, वो अपना प्रतिदिन सफाई करते रहता। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई? हाँ सब काम ओके। यहाँ आपकी निधि से हटकर क्या सांसद निधि, विधायक निधि? हमारे यहाँ सांसद इन सबसे कोई मतलब? सांसद निधि से भी पैसा लगा है हमारे गाँव में, विधायक निधि से भी लगा है, जिला पंचायत से भी लगा है और ब्लॉक प्रमुख निधि से भी लगा है। क्या यहाँ पे कच्चे सड़कें हैं अभी? हाँ कुछ काम। कितना मीटर सीसी से पक्का होगा काम? लगभग अभी मान के चलो आप कम से कम 500 मीटर से लग पाए। 3 मंजिले हैं, 2 मंजिले एक गांव। कितने लोग यहाँ अभी ऐसे होंगे जिनके आवास कच्चे हैं? आवास की कम से अभी हमने ये मोदी जी ने द्वारा 2011 का सर्वे हमारा पूरा हो चुका है, उसमें 6-7 आवास तो बन चुके हैं। पीछे सर्वे कराया तो 70 नाम और निकले हैं गाँव में जो बेचारे गरीब हैं। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से? प्रमुख मांग पहली हमारी है कि हमारा एक तो पंचायत भवन नहीं है, ग्राम पंचायत में। दूसरा एक शमशान की बहुत परेशानी है, हमने लिक्विड दे रखा है मुख्यमंत्री जी के लिए जी। और बारात घर में तीनों चीजों की व्यवस्था है। खेल का मैदान है, आंगनबाड़ी केंद्र सही है। और कोई समस्या आपके गांव में? कोई समस्या नहीं चाहिए खास तौर से सरकार, बस यही है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पंचायत भवन, बारात घर और एक शमशान, ये समस्याएं हैं। जैसा कि आपने देखा हमने प्रधान जी से, प्रधानपति से यहाँ हमने बातचीत की है। काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं। शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग यहाँ परेशान हैं। जैसे कि प्रमुख समस्या यहाँ प्रधान जी द्वारा बताया गया है कि शमशान घाट, पंचायत भवन और बारात घर को लेकर यहाँ इन्होंने प्रमुख समस्या बताई है जिसके लिए सरकार से मांग रखना चाहते हैं। मैं अशरफ अली के साथ नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चौहान। कहाँ रहते हो? राजपुर के सरिया। अच्छा, यहाँ ग्राम पंचायत राजपुर के सरिया में विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? इतना पूरा तहसील में कहीं ना हुआ जितना राजपुर के सरिया में हुआ है, साफ सफाई भी, विकास भी, सड़कें भी और हर तरह से, स्कूल का, मिड डे मील सब बढ़िया, एकदम टॉप का काम है तहसील में। और क्या चाहोगे? और क्या बढ़िया है, जैसा विकास राजपुर का हुआ है ऐसा सब अगर हिंदुस्तान का हो जाए तो स्वच्छ भारत अभियान का कोई जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को चलाने की, अपने आप ही इतना कुछ हो गया।